हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ फिर से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, जिनके एग्जाम 7 जून 2021 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइस कल मैंने एक वीडियो डाली थी, आप लोगों को पता होगा आपके जो ओपन बुक एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो कब आएगा और जो आपके रजिस्ट्रेशन है इस पोर्टल पर आके जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पर और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके पीडीएफ अपलोड के ऊपर, आपको पीडीएफ कैसे अपलोड करनी है उसका आपको एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे क्या क्या करना है, किस सब्जेक्ट का, देखिए जैसे आपका एग्जाम हो रहा है ठीक है, कितनी पीडीएफ अपलोड करनी है, कितनी पीडीएफ बनानी है, ये सारे जो मेजर डाउट्स हैं आज की वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो बस आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दें और अपने अभिषेक भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले तो आपको इस पोर्टल पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो भी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कुछ नीचे गाइडलाइंस हैं आपकी आंसर शीट को अपलोड करने के रिगार्डिंग, चाहे तो वो आप पढ़ सकते हैं ठीक है। वो अभी शायद हटा भी दी गई है, अपलोडिंग आंसर शीट यहाँ पर दे रखी है। देखिए 1 MB एक जो आपका PDF फाइल का साइज़ है वो 7 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखिए गाइस यहाँ पे अब आप देख भी पा रहे होंगे, देखिए जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले वो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर डला रहता है वहाँ पर आपका ठीक है। अब ये एक एग्ज़ाम है जो है आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम है भाषा और समाज। सबसे पहले जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उस सब्जेक्ट का नाम आपका ऊपर आ जाता है ठीक है, आप उस पर क्लिक करते हैं, फिर सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो शो होती है ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक बटन आता है अनफेयर मींस डिक्लेरेशन यानी कि UFM बटन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था ठीक है। आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे ठीक है। इसके बाद आप पे आती है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का ऑप्शन ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस देखिए जैसे ये है आपका आंसर शीट को अपलोड करने का ऑप्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका, यहाँ पे जो मेरे पे स्क्रीनशॉट है वो क्वेश्चन नंबर 3 से ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसके ऊपर ही आपके पास क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का लिंक होता है ठीक है। आप उस पर क्लिक करते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है एग्जाम का वो डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे ये एग्जामिनेशन रोल नंबर हो गया आपका। देखिए आप PDF को अपलोड करने का तरीका, 7 MB से एक तो पहली बात आपकी PDF फाइल कम होनी चाहिए, और अब एक चीज़ सुन लीजिए, अगर आपके पेपर में 6 क्वेश्चन आए हैं, आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको करने होंगे उसमें से कोई 4 ठीक है। तो आपको PDF फाइल कितनी बनानी है, 4। फ्रंट शीट कितनी बनानी है, 4। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा ठीक है, 4 फ्रंट शीट बनाएंगे आप लोग और 4 ही आपको PDF फाइल बनानी होंगी, अलग अलग आंसर की अलग अलग फाइल ठीक है, PDF फाइल आपको बनानी होंगी। और 6 में से अगर आपको 4 करने, आप मान लीजिए आपने पहला किया, पहले के बाद आपने सीधा तीसरा किया, तो आपको जो PDF अपलोड करनी होगी वो तीसरे में करनी होगी, ना कि दूसरे में, क्योंकि कहीं आप सोचें कि मैंने पहला मैंने 4 क्वेश्चन करे हैं तो डायरेक्ट मेरे को 4 की PDF अपलोड करनी है, ये गलती से भी मत कर दीजिएगा, पूरे नंबर कट जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन 18 नंबर का भी आया है SOL में भी, तो आपको देखिए करना क्या, आप अपना पहला करा फिर जो तीसरा जो आपने करा है ना उसकी आपको PDF फाइल तीसरे में ही अपलोड करनी है, दूसरे में गलती से भी अपलोड मत कर दीजिएगा। आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड फाइल का, अगर आपसे गलती से गलत भी हो जाती है कैंसिल ऑल अपलोड्स, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ठीक है, तो आप उसको हटा भी सकते हैं। नीचे आता हूँ, देखिए आपको नीचे लेके जाता हूँ इसी में ही। अब देखिए 4th नंबर की जो PDF फाइल है वो अपलोड हो रखी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐड फाइल क्लिक कैंसिल ऑल अपलोड्स, यहाँ पे देखिए आपने अपनी PDF फाइल अपलोड कर दी तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा क्लिक टू व्यू, आप इस पर क्लिक कर देंगे, आप एक बार देख लीजिएंगे कि जो मैंने अपलोड करी है वो जो PDF फाइल 4th क्वेश्चन पे वो 4th नंबर का क्वेश्चन है भी या नहीं है ठीक है। अगर वो सही है तो आप आगे बढ़ेंगे नीचे की ओर, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको मिल जाता है एक ऑप्शन प्रीव्यू एंड सबमिट रिस्पॉन्स का, तो आप अपना सबमिट करेंगे, उसके बाद आपके पास एक बार फिर से यही ऑप्शन आएगा सबमिट का। अगर आप तब भी सबमिट कर देते हैं, आपको लगता है सारी डिटेल सही है, तो आपके पास एक ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है आपकी ईमेल आईडी पे कि जो आपकी PDF फाइल आंसर शीट है वो सबमिट हो गई है। बस इतना ही आपको PDF अपलोड करते वक्त ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपका एक मेजर डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे जो PDF फाइल है वो अपलोड करनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाएं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।